हाय गाइस, दिस इज मी एनली और आज बात करेंगे कि क्या नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क करता है या नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा कि ये वर्क करता है और 100% वर्क करता है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि 100% फुल प्रूफ नहीं है। मतलब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बिल्कुल वो वापस आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहूँगा 90% टाइम वापस आती है। और मैंने क्यों कहा 100% वर्क करता है, 100% वर्क इसलिए करता है कि ये आपको हाई वैल्यू मैन शो करता है उनकी नज़र में, आपकी गर्लफ्रेंड की, एक्स गर्लफ्रेंड की नज़र में। अगर उसने आपको डम किया है तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये था कि आप उसको चेस करेंगे, बैक करेंगे, प्लीड करेंगे और उससे चिपके रहेंगे और उसको ये वैलिडेशन मिलेगी कि हाँ उसने फैसला सही लिया है। लेकिन जब आप ये चीज़ नहीं करेंगे और अपने आप को हाई वैल्यू मैन शो करेंगे कि या तो मेरी लाइफ में रहो या चली जाओ, तो यहाँ से उसके दिमाग में एंग्जाइटी पैदा होगी। और स्पेशली अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे साथ साथ चल रहे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैंने जैसे कहा कि इट्स नॉट 100% फुल प्रूफ, उसकी वजह यह है कि बाज़ औक़ात लोग मूव ऑन कर जाते हैं, कोई अच्छा मिल जाता है, वो लव में आते हैं, क्या पता शादी हो जाए आपके ब्रेकअप के बाद, 6 महीने बाद शादी हो जाए, 2 महीने बाद शादी हो जाए। और जब शादी हो जाती है तो फिर लड़कियाँ मोस्टली वापस नहीं आती, खासकर हमारे कल्चर से, पाकिस्तान इंडिया में। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है नो कॉन्टैक्ट रूल का कि अगर वो वापस आए, एक तो वापस आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर वो वापस ना भी आए तो आप एक हाई वैल्यू मैन शो होंगे और जैसे जैसे टाइम ज़्यादा गुजरता जाएगा वो आपको ज़्यादा मिस करेगी और ज़्यादा सोचेगी कि एक अच्छा इंसान था वो। कभी ये, क्योंकि जितने वुमेंस की ये फितरत है कि जो इंसान उनको ज़्यादा चिपकता है, चाहे वो बिलियनियर हो, चाहे उसके बिजनेसेस हों, वो हैंडसम हो, मोस्ट हैंडसम मैन है, लेकिन अगर उसके ट्रेट्स अल्फा मेल वाले नहीं है, उसकी आदतें अल्फा मेल वाली नहीं है, वो चिपकू है और रोतू है और इमोशनली वीक है, तो वुमेन उसको कभी लाइक नहीं करती। लेकिन जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल पर अमल करते हैं और ख़ुद को हाई वैल्यू मैन शो करते हैं कि आप बैग एंड प्लीड नहीं करेंगे, अगर कोई चाहता है आपको लाइफ में तो सही है, नहीं चाहता तो उसकी मर्ज़ी, आप अपनी लाइफ के मिशन से नहीं हटेंगे, आप अपने वैसे ही जिम जाएंगे, वैसे ही अपने काम करेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे, अपने आप को बेटर इंसान बनाएंगे, कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ आपको हाई वैल्यू मैन शो करती है। और ये आदत बहुत कम लोगों में होती है, 99% मैन जो हैं वो ऑपोजिट हैं इसके, चिपकू हैं, मैसेज करते हैं, सॉरी सॉरी करते हैं, चाहे गलती लड़की की हो। लेकिन अगर आप अपने मतलब नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल करते हैं और सैडनेस शो नहीं करते तो उसको लगता है कि ये हाई वैल्यू मैन है। अच्छा, ज़्यादातर, अच्छा क्यों ये कहते हैं कि लोग नो कॉन्टैक्ट रूल क्यों अमल नहीं करता? ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो पोस्ट कर रहे होते हैं कि नो कॉन्टैक्ट रूल अमल नहीं करता, ये वो। भाई आपने अमल ही कितना किया है, अभी आपको 2 हफ्ते हुए होंगे, 1 महीना हुआ होगा। नो कॉन्टैक्ट रूल जो है वो लॉन्ग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते तक उसको मैसेज नहीं करेंगे और वो अचानक से बोलेगी सॉरी 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 मैं मिस कर रही हूँ, ये वो। होता भी है बाज़ औक़ात, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम लॉन्ग प्रोसेस है ये। और कोई आपसे दूर जाता क्यों है, पहले तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कोई आपसे दूर इसलिए जाता है क्योंकि वो क्योंकि आप रिलेशन में वो अट्रैक्शन नहीं रही। और वो अट्रैक्शन क्यों नहीं रही, आपने खुद को लो वैल्यू मैन शो किया है। शायद रिलेशनशिप के शुरू में वो आपको हाई वैल्यू मैन समझ रही थी, वो आपको उसको लगता था कि आप बिज़ी हैं, आप कुछ अलग हैं दूसरों से। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया, आप लव में आ गए, आप चिपकू बन गए और उससे रियलाइज़ हुआ कि ये वो नहीं है जो मैं सोचती थी, तो इसलिए वो आपसे दूर चली गई और अट्रैक्शन किल हो गई। अब आपकी अट्रैक्शन में भी 40 से भी नीचे परसेंट पे आई हुई है और इसको 60 से ऊपर लेके जाना है। और वो कैसे लेके जाएंगे, सेल्फ इम्प्रूवमेंट से। एक तो खुद को दूर करेंगे, पहला स्टेप तो आपने कर लिया कि अब आप हाई वैल्यू मैन खुद को शो कर रहे हैं। दूसरा, खुद को इम्प्रूव भी करेंगे अपनी, अगर वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आपके साथ ऐड है तो आप नई पिक्चर्स लगाएं, बाहर घूमें, इवेंट्स को एंजॉय करें। और इससे भी ज़्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट करता है आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यानी कि आपने कोई अच्छी जॉब स्टार्ट की, न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया, तो वो ज़्यादा एंग्जाइटी लड़की के दिमाग में, आपकी एक्स के दिमाग में डालेगा और उससे वो ज़्यादा चांसेस हैं उसके वापस आने के, ना कि इंजॉय करने से। अगर आप खाली पार्टीज करते हैं तो उसको लगेगा कि ये, इसकी कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, बस ये ऐसे ही है,
वो भी अच्छी बात है, हैप्पीनेस से लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप कोई पर्पस अपना शो करना है, आपने कोई न्यू जॉब लगाई है फेसबुक पे या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया और वो आप शो कर रहे हैं या उसका प्रोसेस शो कर रहे हैं, तो वो भी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, वो अभी आपसे अट्रैक्टेड नहीं है और आप उसको बैगिंग एंड प्लेडिंग या उसको कन्विंस अभी नहीं कर सकते, तो इसका बेटर ये है कि उनको स्पेस दिया जाए ताकि उनके इमोशंस नीचे आएँ। जब उनके इमोशंस नॉर्मल नीचे आ जाएंगे, नॉर्मल रेट पे आ जाएंगे, तो फिर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 3 महीने बाद, 90 डेज का मैं कहूँगा एवरेज मार्क है, उससे पहले कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं करना, डिसअपॉइंट ही होंगे और उसके बाद भी डिसअपॉइंट होता है। मेन मकसद ये है कि जब तक वो खुद मैसेज ना करें आपको नहीं करना, और ख़ुद को बेटर बनाते रहना है फिजिकली, फाइनेंशली, इमोशनली और पर्सनली। तो और इससे ये भी मतलब नहीं है कि आप उस इंसान के लिए चेंज हो रहे हैं। अब ये भी एक गलत फहमी है कि मैं मतलब आप पूरी ज़िंदगी चेंज नहीं हुए लेकिन अभी ब्रेकअप हुआ तो आप उस इंसान को वापस लाने के लिए जिम जा रहे हैं, मेहनत कर, नहीं। जैसे टाइम पास होगा, ज़्यादा टाइम गुजरेगा, अगर आपको लगेगा कि वो वापस नहीं आ रहे तो आपकी मोटिवेशन भी ख़त्म हो जाएगी, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट से भी हट जाएंगे। मेन मकसद है कॉन्स्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के माहौल में रहना, अपने दिमाग में डाल लें कि मैं अपने आप को बेटर बनाऊँगा उसके लिए नहीं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। फैमिली से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता इस लाइफ में, हमेशा याद रखिएगा, माँ बाप किससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपकी लाइफ में, आपके बहन भाई से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आप उनके लिए ख़ुद को बेटर बनें, अपने आप पे वर्क करते रहें, फिज़िकली, फाइनेंशली, इमोशनली, इन 3 चीज़ों पर हमेशा वर्क करें। स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बनाएँ, हायर एंटिटी से कनेक्टेड रहें, चाहे वो आप किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ हो आपका, आप उस हायर एंटिटी से कनेक्टेड रहें। और किस तरह रहेंगे, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप नमाज़ पढ़ें, आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं उससे फॉलो करें, फेथ को, फेथ हमें स्ट्रांग बनाता है, इमोशनली भी आपको मदद करेगा। मसला यह है कि खाली अट्रैक्शन एक तो अट्रैक्शन किल हो जाती है, इस वजह से भी ब्रेकअप्स होते हैं, और दूसरा ब्रेकअप इस वजह से भी होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बेगिंग एंड प्लीडिंग कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे होते हैं। मेंस का ये भी बहुत प्रॉब्लम होता है। अब मिसाल के तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आप सुबह शाम उससे बोल रहे हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे कहाँ थी, ऑनलाइन थी, किससे रात को ऑनलाइन थी, ये वो। जब आप मुसलसल ये चीज़ें करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियाँ तंग आ जाती हैं, और उनका तंग आना ज़रूर सही बात है, वो अपनी जगह पर सही है, क्योंकि कोई भी इंसान, हर दुनिया का इंसान फ्रीडम चाहता है इस दुनिया में ना। मैं आप पे पाबंदियाँ लगाना स्टार्ट कर दूँ कि आप सुबह कब उठे थे, क्या कर रहे थे, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, इवन कि आपकी गर्लफ्रेंड जब आपको लगाती है ना कि आप खाना खाओ, कुछ गर्लफ्रेंड इस तरह की मिलती हैं लाइफ में जो आपकी अम्मी बनने की कोशिश करती हैं, तो आपको कितना अजीब फील होता है कि यार मैं क्या, मैं, मेरा अकल नहीं, मुझे नहीं पता क्या करना है। इसी तरह जब आप उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं तो उनके दिमाग में भी यही आता है कि क्या मेरा अकल नहीं है, क्या मैं खुद सोचने से महरूम हूँ जो मुझे ये इतनी पाबंदियाँ लगा रहा है, मुझे ये कह रहा है कि ये करो वो करो। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है ब्रेकअप्स की। लेकिन जब आप दूर होते हैं और आप उन्हें स्पेस देते हैं और वो अपने आप को, शुरू में तो उनको शायद अच्छा लग रहा होता है कि अच्छा मैं अब आज़ाद हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता है तो वो मिस करते हैं उन पल, खुशी के पल को जो आपके साथ उन्होंने गुजारे थे। दूसरा, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखें, सही है, हो जाता है एकदम आपके लिए, शायद ये एकदम ब्रेकअप है लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड के दिमाग में पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा होगा, तभी उसने इतना बड़ा फैसला लिया आपको छोड़ने का, कोई ऐसी बात आपकी ट्रिगर कर रही थी उसे। उन चीज़ों पे गौर करें कि नेक्स्ट टाइम अगर वो वापस आए तो मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी, एक तो इस चीज़ पर गौर करें। दूसरा, अगर वो ना भी आए तो किसी और के साथ मैं रिलेशनशिप में आया तो मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी, इस चीज़ पर भी गौर करें। और अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिएं जैसे आप चाहते हैं, कोई बुरा काम ना करें, हाँ ये ना हो आप ड्रिंक करने लग जाएं, अक्सर लोग शराब में पड़ जाते हैं ब्रेकअप के बाद और सैड हो जाते हैं, ऐसा नहीं करें। लेकिन अपनी लाइफ को उसी तरह जिएं, ऐसा सोचें कि वो आपकी लाइफ में हो या ना हो, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, आप अपने मिशन से नहीं हटेंगे, और ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी आपकी गर्लफ्रेंड को, एक्स गर्लफ्रेंड को, जब आप वैसे ही होंगे जैसे उससे उसके आने से पहले थे, तो उसको लगेगा कि यार ये हाई वैल्यू मैन है, ये अपने मिशन से नहीं हटता भले इसकी लाइफ में कोई हो या ना हो। और ऐसी मर्दों को, ऐसे लड़कों को, ऐसे मेंस को वुमेन ऑलवेज लाइक, ऑलवेज लव एंड ऑलवेज परसू,
and chase. So that's why you have to become that kind of person who don't chase anyone, who just chase his goals. वही बात है ना, टाइम के साथ आप नीडी बन गए थे, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के साथ शुरू में तो आप अट्रैक्टिव मैन होते हैं, आप कम बात करते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लव में उसके साथ आते जाते हैं तो फिर वो कम चेस करती है और आप ज़्यादा चेस करने लग जाते हैं, और यहीं से आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं, और उसको लगता है कि यार ये तो वो मैन ही नहीं है जिससे मैंने प्यार किया था, ये तो सुबह शाम जान जान गुड मॉर्निंग, ऐसे ऐसे लड़के हैं सुबह शाम गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस करते हैं, और तंग मतलब इतना बैगिंग एंड क्लीनिंग करते हैं कि लड़की को ब्रेकअप करना ही पड़ता है। सो आज के लिए इतना ही, नो कॉन्टैक्ट रूल वर्क करता है, अगर वो वापस ना भी आए तब भी आप हाई वैल्यू मैन शो होंगे, अगर वो आ भी जाए तब भी बेटर है। तो ये इसकी अच्छी बात यह कि ऑलवेज़ वर्क करता है। दूसरा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करें, तो वो वापस आए तो वो भी लाइक करेगी, कोई नया पर्सन वापस आएगा तो वो तो यकीनन आपको लाइक करेगा। फाइनेंशली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, क्योंकि फाइनेंशली ज़्यादातर भी प्रॉब्लम्स होती हैं ब्रेकअप्स की वजह से। सो बी अ स्ट्रॉन्ग मैन, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और आपकी अच्छी आपके सवाल कोई कमेंट्स में लिख दें अगर आप कोई हैं, ताकि मैं और वीडियोस बनाऊं उन टॉपिक्स की और आपकी मदद करूं, और थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं, कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।